आज ये देखें कि अगर एक आम बंदे की 40-50 हज़ार भी सैलरी है महंगाई के इस दौर के अंदर, तो वो 15-20 हज़ार 25 हज़ार का अगर पेट्रोल ही सिर्फ जो है वो इसके ऊपर खर्च कर देता है, तो मुझे बताएं बाकी क्या बचा। आपकी एनर्जी ने, आपके डॉलर ने, आपके पेट्रोल ने वो फैसला कर दिया है कि आज आने वाला टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक का है। आपके पेट्रोल की मेन खपत जो है 50% से ज़्यादा टू व्हीलर की है, तो टू व्हीलर को हमने फोकस किया हुआ है और इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी बन रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कौम में 50-50 साल की एडवांस प्लानिंग करती हैं। किसी और के लगाए हुए आम के पौधे और कोई और फल खाता है, ये एक कुदरत का निज़ाम है। लेकिन बदकिस्मत वो कौमें होती हैं जो हमेशा एमरजेंसी में रहती हैं, और ये वो लोग होते हैं इनके ऊपर जब भी कोई मुसीबत या परेशानी आती है तो ये उठ के भागना शुरू कर देते हैं। हालांकि आप ये देखें, आज की पेट्रोल की प्राइस को ही अगर आप देख लें तो हम कई सालों से इस बात के ऊपर फोकस कर रहे थे कि आने वाला टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक का, बैटरी का, मोटर का और एक ऐसी टेक्नोलॉजी का है जिसमें कम अज़ कम ना चेन ना गरारी और ना इवन सबसे बड़ी बात है पेट्रोल, यानी कि जो बर्निंग कंसेप्ट है, कोई ऐसी चीज़ जो धुआं बनाती है, जैसे वो पेट्रोल, गैस, लकड़ी, कोयला, कोई भी ऐसी चीज़ जो आज के बाद जो है वो धुआं बना दे और फ़िज़ा में उड़ के ख़त्म हो जाए, इसका आने वाला टाइम नहीं है। ये हम कई सालों से कहते रहे। हमारी आप पुरानी वीडियोज़ निकाल के देखें तो आपको नज़र आएगा या आपको बहुत कुछ मिलेगा कि असल में हमने कितने साल पहले इस मुल्क के लिए और आप लोगों के लिए एक प्लान जो है वो दिया। लेकिन बाद में ये होता है कि लोग इसको उस तरह से नहीं ले रहे होते। हमेशा जो एक इनोवेशन होती है और एक टेक्नोलॉजी होती है उसके ऊपर हमेशा लोग बाद में बिलीव नहीं करते, और उसकी वजह से जो नुकसान होता है वो ये है कि हम लेट हो जाते हैं। आज ये देखें कि पेट्रोल की फिजिबिलिटी ख़त्म हो गई है। पहले लोग ये बात करते थे कि अगर एक आम मोटरसाइकिल इलेक्ट्रिक बाइक के अलावा जो इंजन वाली है वो 4-5 हज़ार रुपये के ऊपर जो है आम बंदा जो है वो मेंटेनेंस और पेट्रोल के साथ सर्वाइव करता है, तो वो उसको ये बाइक क्यों लेनी चाहिए, क्योंकि इसकी बैटरी का मसला होता है, इसकी चार्जिंग का मसला होता है और सारा। आज ये देखें कि अगर एक आम बंदे की 40-50 हज़ार भी सैलरी है महंगाई के इस दौर के अंदर, तो वो 15-20 हज़ार 25 हज़ार का अगर पेट्रोल ही सिर्फ जो है वो इसके ऊपर खर्च कर देता है, तो मुझे बताएं बाकी क्या बचा। अब ये बहुत अहम बात है, सोचने की भी है कि क्या आने वाला टाइम जो है, आज फैसला हो गया और आज आपके पेट्रोल ने फैसला कर दिया है, वैसे जो फैसला हमें 50 साल पहले करना चाहिए था, 10 साल पहले करना चाहिए था, आज आपकी एमरजेंसी ने और आपकी प्रॉब्लम ने, आपकी एनर्जी ने, आपके डॉलर ने, आपके पेट्रोल ने वो फैसला कर दिया है कि आज आने वाला टाइम जो है वो इलेक्ट्रिक का है। और अगर एक दफ़ा आप इलेक्ट्रिक पे आ जाते हैं और इसका जो है किक और इसी तरह क्लच और गियर और ये सारी चीज़ें आपको पता चलता है कि ये गुजरे हुए ज़माने की बातें और चीज़ें थी। बहुत जल्द जो है थोड़े दिनों बाद आप देखेंगे यही इंजन और यही जो बड़े बड़े महंगी गाड़ियाँ डीजल इंजन, ये सारे के सारे म्यूज़ियम में पड़े होंगे और आप अपने बच्चों को दिखा रहे होंगे कि एक वक्त था हम लोग जो है कोला, लकड़ी और पेट्रोल को धुआं बना के ज़मीन के ऊपर जो है दौड़ते थे और पहिया चलाते थे। ये टाइम जो है आ चुका है और इसके ऊपर आज प्लान चाहिए। सबसे बड़ा प्लान जो है इन्वेस्टमेंट का है। अगर आप बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट या कोई भी छोटी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आज इस टाइम में अगर देखा जाए तो वो इलेक्ट्रिक पहिया है। जो टेक्नोलॉजी उस चीज़ पे आ रही है जो बग़ैर धुएँ के चलेगी, आज इन्वेस्टमेंट का उसमें प्लान जो है करें और होना चाहिए। बहुत जल्द जो है आप देखें इसकी डिमांड इतनी क्रिएट हो चुकी है कि आज लोग जो है वो बार बार जो है आप देखें हर बंदे को एक इमरजेंसी पड़ गई है। हम वैसे ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि थोड़ा सा अब आराम से और तरीके से काम करें, क्योंकि इतना बड़ा पुश जो है मार्केट का, ये बार दफ़ा बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी बनता है। अब इसी के साथ अगर देखें तो पूरी दुनिया में ये डिज़ास्टर भी क्रिएट हो रहा है कि पूरी दुनिया इतनी ऑल ऑफ सडन जो है पेट्रोल महंगा होने की वजह से शिफ्ट होने जा रही है। जो चिप और आईसी हैं वो महंगे हो रहे हैं और इसी तरह से वो शार्ट भी हो रहे हैं। पूरा पूरा साल जो है उसकी पेंडिंग होने लगी है और इलेक्ट्रिक
बाइक इलेक्ट्रिक जो है लोडर और इवन जो इलेक्ट्रिक बस और ट्रक हैं इनकी पेट्रोल की वजह से फिजिबिलिटी बन गई है। आज आप ख़ुद भी देखें एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा फ्यूल जिसको आप आग लगा के बंद कर देते हैं और वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन एक ऐसा मटेरियल जिसको आप जो है अंदाज़ा करें कि बार बार रीन्यू करते हैं, इसीलिए इसे रीन्यूएबल एनर्जी बोलते हैं, या आप बार बार चार्ज करते हो। और उसके बाद भी मज़े की बात यह है जब इसको बिल्कुल ये डेड हो जाती हैं बैटरियाँ जो है काफ़ी टाइम के बाद अगर ख़त्म भी होती हैं फिर भी इसका मटेरियल जो है वो इस काबिल होता है कि उसको जो है बेसिकली रिसाइकल किया जा सके। ये बहुत बड़ी एक चेंज है जिसको जो है वो आपको पता है हम लेके आ चुके हैं मार्केट के अंदर, और आज इसके लिए आपने गेट रेडी होने, अगर आप जो है कोई रिपेयरिंग सेंटर हैं तो आज के बाद जो है प्लान करें कि आप वो रिपेयरिंग और मेंटेनेंस और सर्विस जो है वो इलेक्ट्रिक बाइक की कैसे दे सकेंगे, इलेक्ट्रिक लोडर की और इलेक्ट्रिक रक्षा थ्री व्हीलर फोर व्हीलर की आपको नेक्स्ट ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। हम जो इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट जो है ट्रेनिंग जो है लॉन्च कर रहे हैं। नंबर दो, अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो आपको ईवी में इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी अगर आप फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं। नंबर तीन जो है, अगर आप ये समझते हैं कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाए तो अगर किसी इंडस्ट्री में आज देखें इतना स्कोप नहीं है जितना आज इसके अंदर जो है वो स्कोप है, यानी कि अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करने जा रहे हैं तो आज सबसे बड़ी फिजिबिलिटी इसकी है। इसके बाद जो है अगर आप डेवलपमेंट रिसर्च और R&D या इवन जो है इनोवेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप कंट्रोलर और इवन जो है ट्रैकिंग ट्रेसिंग डिजिटल जो है वो कंट्रोल और सारी चीज़ें अगर ये करना चाह रहे हैं तो वो आज ईवी है जिसके अंदर जो है चाहे वो डिजिटल मीटर हो चाहे वो इलेक्ट्रिक मोटर हो चाहे वो BMS हो वो बैटरी हो वो चार्जर हो और इवन जो है वो स्टैटिक चार्जर हो, जितनी भी ये सारी की सारी चीज़ें आज उनकी ज़रूरत पड़ गई है। और कभी हम आपको बोलते हुए महसूस होते थे कि ये शायद कभी होगा, यानी कि कभी ऐसे लगता था कि ये फेक बातें हैं और शायद मोटिवेशन की बातें हैं या एक ऐसी इंडस्ट्री की बातें हैं जो अभी आएंगी, लेकिन बहरहाल आज का टाइम जो है आपके कम से कम सामने है। आज के पेट्रोल ने जो है ये पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में बढ़ रहा है और ये आस्ता आस्ता जो है मिलेगा भी नहीं, क्योंकि जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है ये भी मैं आपको बता दूं कि दुनिया की जो बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट हैं वो असल में ईवी में चली गई है। टेस्ला एक बहुत बड़ी कंपनी है जो पहले कभी नामो निशान नहीं होता था और उसकी इकोनॉमी कुछ भी नहीं होती थी, नामो निशान नहीं था, लेकिन आज वो कई बिलियन डॉलर की दुनिया की रिचेस्ट कंपनी है। मुझे ये बताइए पैसा कहाँ से आया, ये कैप जो है वो कहाँ से है? दुनिया का कैप वही होता है इधर से इधर निकल जाता है इधर से इधर निकल जाता है। आप इमेजिन करें कि पूरी दुनिया की पेट्रोलियम गैस की कंपनीज का सारा कैप, चाहे वो रिसर्च और डेवलपमेंट का था, चाहे माइनिंग का था, चाहे रिफाइनरी का था, चाहे ट्रेडिंग का था, ट्रांसपोर्टेशन का था, ये सारे का सारा जो है अगर मैं और आप आज शेयर खरीदें, डू यू थिंक कि हम जो है पेट्रोल की कंपनियों के शेयर खरीदेंगे? किसके खरीदेंगे? आज हम ईवी के खरीदेंगे, टेस्ला BYD और जो बड़े बड़े ब्रांड 30 से ज़्यादा ब्रांड इस वक्त मार्केट में इलेक्ट्रिक आ गए। पूरी दुनिया में जंग हो रही है इसके ऊपर कि कैसे जो है ज़्यादा से जल्दी जो है लोग इलेक्ट्रिक बाइक इलेक्ट्रिक कार पे आ सकें। उसी के लिए हम 10 साल से काम कर रहे थे आपके सामने, पुरानी वीडियोज़ आपको साबित करेंगी, लेकिन हमारे साथ रहिएगा ताकि मिल के हम बनाएँ इस मुल्क के लिए एक शानदार मार्केट और शानदार इंडस्ट्री और शानदार इकोनॉमी, और पेट्रोल को कह दें बाय बाय, और पेट्रोल को बाय बाय कहने के बाद खुद सोचें कि हम अपना कोई भी डॉलर जो है वो बाहर जाने नहीं देंगे। और इस वक्त पाकिस्तान के अंदर टू व्हीलर आपके पेट्रोल की मेन खपत जो है 50% से ज़्यादा टू व्हीलर की है, तो टू व्हीलर को हमने फोकस किया हुआ है और इंशाल्लाह बाकी चीज़ें भी बन रही हैं, लेकिन आज पाकिस्तान के लिए मेड इन पाकिस्तान की रिस्पेक्ट के लिए और पाकिस्तान की इंडस्ट्री के लिए हो जाए तैयार और रेडी एक लंबे अरसे के लिए और एक लॉन्ग टर्म के लिए पाकिस्तान की इंडस्ट्री को लेके आगे चलते हैं। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ रहिएगा, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।